At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। यूपी में भाजपा अपने कोटे की 75 सीटों में से 73 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन यूपी की दो सीटें अभी भी ऐसी हैं जिस पर भाजपा असमंजस में फंसती नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी की कैसरगंज और रायबरेली लोकसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर अभी तक टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से अब तक ना तो भाजपा, ना ही समाजवादी पार्टी और ना ही बसपा ने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसको लेकर पूरे यूपी में कैसरगंज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट वो है जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के विवादों में घिरे हैं। माना जा रहा है इसी वजह से अभी तक भाजपा उनके टिकट पर मोहर नहीं लगा पाई है और ना ही उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बना रही है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह क्षेत्र में डटे हुए हैं और जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने नाम का नोड्यूज बनवाने सहित सभी प्रक्रियाएं पूरी करने में जुट गए हैं। साथ ही अपने भतीजे सुमित भूषण के नाम बिजली बिल, हाउस टैक्स का बकाया नोड्यूज दे रहे हैं, यानी कि चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से खबर निकल कर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कटरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक वैद्यनाथ दुबे को फोन करके कहा गया है कि आप नामांकन पर्चा खरीद लीजिए, जल्द ही आपको बता दिया जाएगा कि किसको चुनाव लड़ना है। यानी कि समाजवादी पार्टी 24 घंटे के अंदर वहां पर प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रायबरेली और कैसरगंज सीट पर कांग्रेस की गतिविधि का इंतजार कर रही है। कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, इसी की फिराक में भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जैसे ही कांग्रेस इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, वैसे ही भाजपा रायबरेली और कैसरगंज लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। चर्चा ये भी है कि मनोज पांडे या फिर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बता दें कि मनोज पांडे सपा से विधायक थे, लेकिन हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की थी। उसके बाद से ही मनोज पांडे की बीजेपी से नजदीकियां लगातार बढ़ी है। दूसरी तरफ कैसरगंज लोकसभा सीट पर सवाल ये है कि यहां से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या फिर उनके भतीजे सुमित भूषण को, क्योंकि वे खुद भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अपने भतीजे सुमित भूषण की भी तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो उनके भतीजे सुमित भूषण पर विचार किया जा सकता है। बता दें कि कैसरगंज और रायबरेली लोकसभा सीट पर पांचवें चरण के तहत चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन शुरू हो गए हैं और नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 3 मई है तथा 20 मई को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।